मिर्जापुर की लोक विधायक कजली की सोंधी महक को देश ही नहीं विदेशों तक पहुंचाकर पद्मश्री से सम्मानित होने वाली मिर्जापुर की पहली महिला अजीता श्रीवास्तव के द्वारा आयोजित आभार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने इसके संरक्षण पर जोर दिया, आने वाली पीढ़ी को इससे जोड़ने पर जोर दिया। कजली गायन की विधा को आगे बढ़ाने के लिए इसमें सहयोग का हर संभव भरोसा दिलाया। कजली गीत गाने के अनुरोध पर उनके द्वारा एक फिल्मी गीत गाकर सभी को झूमने पर विवश कर दिया। गीत के बोल सावन का महीना पवन करे शोर के साथ ही तालियों के शोर से कार्यक्रम स्थल लायंस स्कूल का प्रेक्षागृह गूंज उठा। कार्यक्रम आयोजिका पद्मश्री अजीता श्रीवास्तव ने कहा कि जिस विधा को लेकर आज मुझे पद्मश्री का सम्मान मिला है, उस कजली विधा से आने वाली पीढ़ी को जोड़ने का लगातार प्रयास कर रही हूँ। आज के कार्यक्रम में सभी का स्नेह और आशीर्वाद मिला। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री मैं अपने गीत से इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया। देखिए, आज के कार्यक्रम का मेरा मेन उद्देश्य था कि कजली विधा के लिए जो मुझे राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला है, उस विधा के लिए जनमानस का, मिर्जापुर के एक एक व्यक्ति का, कण कण का मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। इसी उद्देश्य से मैंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय हमारी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी आई और उन्होंने पूरा सहयोग दिया, साथ दिया, बैठी और बड़ी सराहना भी की। उन्होंने एक बहुत अच्छा गीत गाया, सावन का महीना पवन करे शोर, इतना मधुर, पूरी पब्लिक उसके साथ जुड़ी। मुझे अच्छा लगा कि सारा जनमानस हमारे इस कार्यक्रम की सराहना किया और मेरे प्रति उनका स्नेह ऐसे ही बना रहे आप सबका। इसी बात